जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों ने पुलिस पोस्ट पर किया हमला, एक जवान शहीद। दो आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर की फायरिंग, हमले में एक जवान और नागरिक भी घायल। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने के लिए की गई थी फायरिंग, मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने की थी जवाबी कार्रवाई। दलाली वाले बयान पर मनोहर पर्रिकर का राहुल गांधी पर तंज, बोले कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहा आज के नेता, इनमें नहीं थोड़ी भी मर्यादा। कहां है मर्यादा पुरुषोत्तम और कहां है हमारे कई पॉलिटिशियन जिनको कुछ मर्यादा बची नहीं। गीता निरुपम का कहना है संजय और परिवार को मिल रही है सोशल मीडिया पर धमकी, फोन पर दी जा रही है गाली। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संजय निरुपम, अशोक गहलोत और केजरीवाल के पोस्टर लगा बताया देश का गद्दार, सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दे पर की फांसी की मांग। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अजय देवगन का बयान, फिलहाल पाकिस्तानी कलाकारों के साथ नहीं करेंगे काम। यूपी में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी जयशंकर सिंह की पत्नी मायावती से अपशब्द के मामले में पति का किया था जोरदार बचाव। मऊ में सरे बाजार दुकान में घुसकर बदमाशों ने दो कारोबारियों को मारी गोली, एक कारोबारी की मौके पर ही मौत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इलाहाबाद में एक मेडिकल स्टोर पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने बमों से किया हमला, एक के बाद एक कई देसी बम फोड़े, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, दुकान मालिक की शिकायत पर केस दर्ज। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में मासूम भाई की पिटाई, बेहोश होने पर भागे, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के आजमगढ़ में बाइक पर पत्नी के साथ जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस को वारदात के पीछे पारिवारिक रंजिश का शक। दिल्ली के करावल नगर में चेन छीन कर भाग रहे बदमाशों ने पीछा कर रहे पुलिस वालों पर की फायरिंग, बाल बाल बचे पुलिस वाले, लोगों ने पकड़ा। बिहार के दरभंगा में दबंगों ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या की, दबंग परिवार की बेटी के साथ भागा था पीड़ित धीरेंद्र का लड़का। धीरेंद्र के घर वालों का आरोप, पुलिस को बार बार फोन करने पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई, इस मामले में चार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गया में एसएचओ मर्डर केस में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, दो तमंचे और कारतूस भी बरामद। गया में होमगार्ड ने डीएसपी टिकारी का पर लगाया मारपीट और गाली देने का आरोप, काफी देर तक पुलिस लाइन में किया हंगामा। बिहार के किशनगंज में बंगाल से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त, 215 बोतलें पुलिस ने की जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार। बिहार के पटना में खेजा कला थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा गोदामों पर छापेमारी, भारी संख्या में अवैध पटाखे जब्त। मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिस हिरासत में युवक को यातनाएं दिए जाने का मामला आया सामने, हिरासत में युवक के साथ कुकर्म का आरोप। एक महिला की खुदकुशी के सिलसिले में पुलिस ने किया था युवक को गिरफ्तार, सिद्धिगंज थाना प्रभारी पर परिजनों को भी यातनाएं देने का आरोप। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में प्रताप नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर शादी का झांसा दे रेप का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में जनवरी में हुए पांचू नाम के शख्स के कत्ल की गुत्थी सुलझी, पत्नी से प्रेम प्रसंग के चलते अंसारुल नाम के शख्स ने किया था कत्ल। अंसारुल ने पांचू की हत्या के पहले दाढ़ी नहीं कटवाने की भी ली थी प्रतिज्ञा, 6 महीने तक नहीं बनाई थी दाढ़ी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में चोरी के आरोप में बार बार पुलिस द्वारा पूछताछ से परेशान युवक ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यमुनानगर के बहुचर्चित योगेश हत्याकांड में 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, कॉलेज छात्र योगेश की सरेआम कॉलेज में कर दी गई थी हत्या। राजस्थान के बुनी में तेज रफ्तार डंपर ने बस को मारी टक्कर, हादसे में कोई हताहत नहीं, आरोपी डंपर चालक फरार। अहमदाबाद के कुपाटी में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, 3 आरोपियों के खिलाफ रेप और हत्या का केस। केरल के मलप्पुरम में बिक रहे ग्लोब में कश्मीर को नहीं दिखाया गया भारत का हिस्सा, बीजेपी युवा मोर्चा के शिकायत पर केस दर्ज।
शारदा घोटाले के आरोपी कुणाल घोष को मिली जमानत, 11 नवंबर तक रह सकते हैं बाहर, पासपोर्ट कराना होगा जमा। पोरबंदर में नेवी क्वार्टर के नजदीक फायरिंग की आवाज के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क, जांच में नहीं हुआ खुलासा कहां से आई थी फायरिंग की आवाज। सर्जिकल स्ट्राइक और त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट, पुलिस ने दिल्ली में लगने वाले बॉर्डर पर चलाया तलाशी अभियान। रेप केस में फंसे बिहार में आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई। राजबल्लभ यादव पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप, हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका। ग्रेटर नोएडा के मिसाड़ा गांव में फिर लगा नेताओं का जमावड़ा, रवि के परिवार वालों से मिलने पहुंचे महेश शर्मा और संगीत सोम। मिसाड़ा में दो दिनों बाद सरकार ने ली राहत की सांस, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के दखल के बाद अखलाक के आरोपी के परिजनों ने खत्म किया धरना। मुंबई के वडाला फीवे पर तेज रफ्तार कार का कहर, पोल से टकराने के बाद दूसरी कार पर पलटी, हादसे में एक शख्स घायल। एक ही परिवार के पांच लोगों की सामूहिक खुदकुशी से मेरठ में हड़कंप, मौत की नींद सो गई तीन पीढ़ियां। घर से मिली बुजुर्ग दंपति, बेटे बहू और पोते की लाश, पुलिस के मुताबिक कर्ज के चलते आपसी सहमति से दे दी जान। 70 साल के थे कारोबारी मोहन अरोड़ा, पुलिस के मुताबिक खुदकुशी से पहले साथ बैठकर पूरे परिवार ने लिया सुसाइड का फैसला। गोवा में एक फ्लैट में मिला महिला का शव, 39 साल की मोनिका बॉडे के रूप में हुई पहचान। बेंगलुरु में सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हादसा, स्कूटर से गिरे शख्स के ऊपर से गुजर गई बस, युवक की मौत पर मौत। बिहार में नीतीश की शराबबंदी योजना पर बैन को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जारी रहेगा हाजी अली के गर्भगृह तक महिलाओं की एंट्री पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। ट्रिपल तलाक पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा महिला पुरुष में नहीं हो सकता भेदभाव, सरकार नहीं कर सकती कोई समझौता। जारी केस के गुनहगार सुरेंद्र कोहली को नंदा देवी मर्डर केस में मौत की सजा, इससे पहले सभी पांच मामलों में मिल चुकी है मौत की सजा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामलीला से निकाले जाने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक मिशनरी स्कूल के टीचर ने चौथी के छात्र को होमवर्क ना करने पर बेरहमी से पीटा, आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सिरोही में पिंडवासा में बरसाती नदी के तेज बहाव में बह गया युवक, नदी के किनारे किसी तरह पहुंचा तो बची जान। आतंकवाद के खात्मे के लिए अयोध्या में सरयू किनारे पूजा का आयोजन, पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए लोग। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग ने वक्फ बोर्ड को किया भंग, वक्फ बोर्ड का दफ्तर भी किया गया सील। दिल्ली में दीपावली पर चीनी सामानों की बिक्री का विरोध, लोगों ने जलाया चीनी सामान। आज तक की खबर का असर, जोधपुर के नरेश जीवानी की पाकिस्तानी दुल्हन को जल्द मिलेगा वीजा, सुषमा ने ट्वीट कर दी जानकारी। बुलढाणा की नादुरा पंचायत में काम करने वाली दिव्यांग महिला ने लगाया वरिष्ठों पर प्रताड़ित करने का आरोप, डीएम से की शिकायत। आज है फोर्स डे, 84वें फोर्स डे पर हिंडन एयर बेस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। वायुसेना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की प्रसिद्ध रेड एरो एरोबेटिक टीम भी करेगी प्रदर्शन।
जूनागढ़ के व्यापारी हर्षुख भाई को 786 नंबर वाले नोट इकट्ठा करने का अनोखा शौक। अब तक एक से लेकर 1000 रुपए के पौने 2 लाख रुपए के नोट जुटा चुके। जमशेदपुर के दलमा जंगल में वन विभाग ने मनाया रजनी नाम की हथनी का बर्थडे। 7वें जन्मदिन पर मनाया 7 पौन का केक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मां दुर्गा को चढ़ाएंगे 3,70,00,000 का मुकुट। वारंगल के भद्रकाली मंदिर में नवरात्र पर देंगे भेंट। हैदराबाद में तेलंगाना के बातुकम्मा उत्सव में शामिल हुए वेंकैया नायडू, डांडिया खेलते भी आए नजर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पहुंचे मुख्यमंत्री रमन सिंह, नवरात्र पर्व पर रैली में हुए शामिल। दिल्ली में नवरात्र पर दुर्गा पंडालों में दिखा भक्ति का अनोखा रंग, भव्य आरती के साथ हुआ मां का पूजन। नर्मदा में मां हरसिद्धि की महाआरती के दौरान लड़कियों ने तलवार लेकर हिस्सा लिया। हर साल मंदिर में महाआरती पर तलवार से आरती की परंपरा है। सूरत में गरबे की धूम, गरबे में दिखी कौमी एकता की मिसाल, मुस्लिम युवकों ने भी की मां अंबे की आराधना। दिल्ली के शास्त्री नगर में रघुवर संस्कार, रामलीला में सद्भाव की अनोखी मिसाल, रामलीला मंचन से पहले दलित भाइयों से कराई गई आरती। अगरतला में जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किया पूजा पंडाल का उद्घाटन, पंडाल में शहीदों को भी दी गई श्रद्धांजलि। पुरुलिया में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने पहुंची अभिनेत्री प्रीति जिंटा, स्थानीय कलाकारों के साथ किया डांस। सिलीगुड़ी में भारी बारिश से दुर्गा पूजा देखने पहुंचे लोगों की बड़ी मुश्किलें, पंडालों में भी भरा पानी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज इंदौर में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा तीसरा टेस्ट। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी करेगी इंदौर का होलकर स्टेडियम। मैच के 90% से ज्यादा टिकट बिके। तीसरे टेस्ट में गौतम गंभीर की हो सकती है वापसी। कप्तान कोहली ने कहा ओपनिंग में नहीं करेंगे कोई प्रयोग। मुकाबले से पहले विराट ने मोहम्मद शमी की तारीफ की, कहा चोट के बाद शानदार वापसी की। कप्तान केन विलियमसन की वापसी से न्यूजीलैंड का बड़ा हौसला। वायरल की वजह से कोलकाता में नहीं खेल पाए थे विलियमसन। डोडा कमेटी की सिफारिश लागू करने के लिए बीसीसीआई को मिली 10 दिनों की मोहलत। 17 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। डोडा कमेटी की सिफारिश नहीं मानने वाले राज्यों के बोर्ड पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त। फंड रोकने का आदेश, जिन्हें पैसा मिल चुका है उन्हें देना होगा हलफनामा। मीरपुर वनडे में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 21 रनों से हराया। 5 विकेट लेने वाले बॉल बने मैन ऑफ द मैच। इंग्लैंड ने रखा था 310 रनों का टारगेट, लेकिन 288 रन पर सिमटा बांग्लादेश। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वकालत वाले बयान पर साक्षी मलिक ने दी सफाई, कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था। हैती में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान मैथ्यू ने अमेरिका के फ्लोरिडा में दी दस्तक। 185 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हवाएं, 3 लोगों की मौत की खबर। महातूफान के खौफ के चलते फ्लोरिडा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में इमरजेंसी। 6,00,000 लोगों के घरों की बत्ती गुल। इससे पहले मंगलवार को समुद्री तूफान मैथ्यू ने हैती में बरपाया कहर। हैती का जेरेमी शहर पूरी तरह तबाह। सूट, क्यूबा, डोमिनिकन और बहामा में भी मैथ्यू ने मचाई तबाही। अकेले हैती में ही 842 लोगों की मौत। मंगलवार को कैरेबियन सागर से उठा था मैथ्यू तूफान। तेज हवा और बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। आठ नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए ओबामा ने किया अर्ली वोट, शिकागो में डाला अपना वोट। लीबिया के सिरता के पास सरकारी सैनिकों और आईएस आतंकियों के बीच संघर्ष, सैनिकों ने विद्रोहियों पर टैंगों से दागे गोलियां।